हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 12 इयर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीले दांतों को वाइट कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ प्रोसीजर बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपके अगर पीले दांत हैं, किस लेवल के पीले दांत हैं, तो उनको किस तरीके से वाइट किया जा सकता है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर एक ब्यूटीफुल स्माइल की बात करें हम, तो उसके लिए दांतों का सफ़ेद होना बहुत ही ज़रूरी है और हर कोई चाहता है कि उसके दांत बिल्कुल चमचमाते हुए सफ़ेद हो। सो अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों को हम बिल्कुल क्लीन करें, साफ करें और बिल्कुल ही दांतों का कलर चेंज करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ और विद पिक्चर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आपके दांतों में इस तरीके का पीलापन है तो आपको क्या करना पड़ेगा और कौन सा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांतों का जो पीलापन है, जो इंडियंस लोग हैं मोस्टली इनका स्लाइटली येलोइश टीथ होता है, हल्का सा पीलापन होता ही होता है, दैट इज नेचुरल। बट अगर बहुत ज़्यादा स्टेन्स है तो फिर आपको स्टेन्स है या फिर कैलकुलस है दांतों में, या टार्टर जिसको बोलते हैं वो जमा है, या फिर किसी किसी के बचपन से ही पीले होते हैं दांत, और या कभी कभी कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी दांत की जो आउटर लेयर होती है वो पूरी तरह से डैमेज होती है, बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो अगर इस तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, इसमें सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैं आपको इंक्लूड करने वाली हूँ एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि येलो दांत का अगर हम सिंपल सा देखें कि बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं मैम हमारे दांत बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, इनको साफ कर दो। अगर आपके दांतों में स्टेन्स है, यानी कि किस दांतों में निशान पड़े हुए, या फिर कभी पेशेंट के चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से या स्मोकिंग की वजह से निशान पड़ जाते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स की हैबिट ऐसी होती है कि ज़्यादा सिट्रिक फूड खाते हैं या फिर हल्दी के निशान होते हैं, तो इस तरीके के जो निशान होते हैं उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा वो भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपके दांतों में ऐसा कुछ है कि देखिए खाना फंसने की वजह से या खाना वहां पे जमा होता रहता है, तो उसकी वजह से हार्ड टार्टर बन गया है, जिसको मेडिकली कैलकुलस बोलते हैं। तो अगर ये फोटो जैसे आप देख रहे हो, इस तरीके से अगर आपके दांतों में है और आपको ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है कि दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक लाइन्स दिख रही है या फिर स्लाइटली ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको फुल माउथ स्केलिंग करानी है, यानी कि क्लीनिंग करानी है। स्केलिंग फुल माउथ करा सकते हो आप, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत लोगों का सोचना है कि क्लीनिंग कराने से दांत ढीले हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कम्प्लीटली मिथ है। तो अगर आपके माउथ में इस तरीके से ब्लैक ब्लैक स्टेन्स आ गए हैं या फिर कैलकुलस भी है, तो आप इसको आराम से क्लीनिंग करा के अपने दांतों को सही करा सकते हैं और आपके दांत अच्छे दिखने लग जाएंगे। जैसे बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से हो गया है क्लीनिंग के बाद, इनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके माउथ में टबाको स्टेन्स होते हैं, जैसे बिल्कुल काले से दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे स्टेन्स अगर आपके दांतों में है और ऐसे है और ये ब्रश से भी नहीं जाएगा, तो इनमें स्केलिंग का कोई फायदा नहीं होगा। हम कितनी भी स्केलिंग कर लें, कितनी भी क्लीनिंग कर लें दांतों की, इनसे कुछ भी असर होने वाला नहीं, क्योंकि ये स्टेन्स बहुत अंदर की लेयर तक जा चुके हैं। तो इनमें या तो हमको माइक्रो एब्रेजन्स करने पड़ते हैं। माइक्रो एब्रेजन में एक केमिकल होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं दांत के ऊपर एंड उससे दांत क्लीन हो जाता है, या फिर ब्लीचिंग करके भी ट्राई कर सकते हैं, ब्लीचिंग से भी क्लीन हो सकते हैं दांत। बट अगर आप चाहते हो कि आपके दांत बिल्कुल चमचमाते मोतियों जैसे हो जाए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको वीनियरिंग या फिर क्राउन ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो वीनियरिंग और क्राउन मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगी क्या होता है, या ब्लीचिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपके दांतों में आपके येलो है, बिल्कुल पीले हल्दी के निशान पड़ गए हैं और आपको उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उस पर ब्लीचिंग करा सकते हो, या फिर इस तरीके से टोबैको स्टेन्स मैंने आपको बताया तो उसमें भी आप ब्लीचिंग करा सकते हो। ब्लीचिंग में आपका क्या होगा कि दांतों का जो कलर है येलोनेस वो हम कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, तो इसमें
तरीके से केमिकल यूज किया जाता है, उससे आपके दांतों की जो आउटर लेयर है उसमें से जो गंदगी है वो निकल जाती है एंड दांत आपके क्लीन हो जाते हैं। बट ब्लीचिंग में क्या है आपको कि 6 से 7 महीने दांत व्हाइट रहेगा, उसके बाद आपका नेचुरल कलर वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लीचिंग कराते हैं और उसके बाद अपनी जो स्मोकिंग हैबिट है वो नहीं छोड़ती, तो ये ब्लीचिंग आपके लिए बिल्कुल वेस्ट है। ये ब्लीचिंग आपको नहीं करानी चाहिए क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा से स्टेन्स आ जाएंगे। तो ये उन्हीं के लिए है जैसे कॉफी टी के स्टेन्स है, या फिर अगर आपकी स्मोकिंग आप सोच रहे हो कि मैं छोड़ देता हूँ और आप दांत क्लीन करके रखता हूँ, तो उसके लिए भी ब्लीचिंग ऑप्शन बहुत अच्छा है। इस प्रोसीजर में आपको कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। कभी कभी डेंटिस्ट आपको 2 विजिट पे भी बुलाते हैं, जनरली 1 विजिट में कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि अगर आपके दांतों में बहुत ही ज्यादा बचपन से ही बिल्कुल येलोइश है, दांत के आउटर लेयर जो होती है बिल्कुल खराब हो चुकी, जैसे ये फोटो आप देख रहे हो, दांत के आउटर लेयर बिल्कुल चिप आउट हो गई, तो इनके लिए वीनरिंग बहुत अच्छा है या फिर क्राउन ऑप्शन बहुत अच्छा है। वीनरिंग और क्राउन में क्या डिफरेंस होता है, वीनियर्स पे हम दांत के आउटर लेयर को हटा के उसके ऊपर कैप लगाते हैं, इस तरीके से आप समझो, लेकिन क्राउन को चारों तरफ की लेयर हटा के उसके ऊपर कैप लगती है। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, आप भी ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीनरिंग और क्राउन ये ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन उन पेशेंट्स के लिए भी अच्छे हैं जिनका फ्लोरोसिस है, या जैसे कभी होता है अगर वाटर में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस हो जाते हैं, दांत के आउटर लेयर खराब हो जाती है, तो उनके लिए भी क्राउन बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर वीनियर्स अगर उनको कराना है तो वीनियर्स भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन। आजकल बिल्कुल वीनियर्स और क्राउन्स जो आते हैं बिल्कुल मैचिंग करके आते हैं, मीन्स एडजेसेंट टूथ को मैच करके लगाया जाता है, शेड करके लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखा रही हूँ पेशेंट्स की, तो आप देख सकते हो कि बिफोर उनके दांत में कैसा था और आफ्टर उनके दांत में कैसा हुआ जब उनके दांत में क्राउन्स लगाए गए या फिर वीनियरिंग्स लगाए गए। तो आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अगर आपके दांतों में भी ये प्रॉब्लम है कि आप अपने दांतों को वाइट करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, तो आपको ये सारे ऑप्शंस देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।